गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम टॉपिक्स बिफोर एक्सप्लेनिंग द एक्सरसाइज 9.2। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज कर्व्स। एनी फिगर ड्रॉन एट अ स्ट्रेच विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट ऑफ पेन पेंसिल विद द पेपर इज कॉल्ड अ कर्व। स्टूडेंट, पेन या पेंसिल की हेल्प से कोई भी ऐसा फिगर ड्रॉ किया जाए जिसमें पेन और पेपर का कॉन्टैक्ट ब्रेक न हो तो उसे क्या बोलते हैं? कर्व। ओके, यानी अगर हमने स्टार्ट किया ड्रॉ करना तो अब हम ड्रॉ करने के बाद, कम्प्लीटली ड्रॉ करने के बाद ही पेन को उठाएंगे पेपर से तो क्या बोलेंगे उसको? कर्व। ओके, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कर्व। नाउ सेकंड टॉपिक इज सिंपल कर्व। सिंपल कर्व इज अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इट्सेल्फ। सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं जो एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा है, ये है, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल कर्व। नेक्स्ट है ओपन कर्व। द कर्व हुज एंड पॉइंट इज नॉट द सेम एज स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ ओपन कर्व। ठीक है, ओपन कर्व में इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होता है, ये डिफरेंट होता है, तो दीज आर द कॉल्ड अस ओपन कर्व, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से ओपन होते हैं इसलिए ओपन। यहाँ पे भी ओपन कर्व है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट डिफरेंट है इसलिए ये क्या है? ओपन कर्व है, यहाँ से ओपन है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व द कर्व विच एंड्स एट द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड इज कॉल्ड एज क्लोज्ड कर्व। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही सेम है इसलिए क्या है? क्लोज्ड कर्व है। ये सीधी बात है, ये क्लोज्ड है इसलिए क्लोज्ड कर्व है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया, सो दीज आर कॉल्ड एज क्लोज्ड कर्व। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट है बाउंड्री ऑफ द कर्व। बाउंड्री ऑफ द कर्व, ठीक है, दीज आर, ये जो सर्कमफेरेंस है या फिर आप ये कह लो कि पॉइंट्स लाइक ए बी सी विच मेक द कर्व, जो इस कर्व को बना रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स की हेल्प से ही पूरी बाउंड्री इसकी बनी है, तो ये बाउंड्री है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि आपकी इस बाउंड्री पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो आपको ये पॉइंट्स पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आपको बताने होंगे। ओके, नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ द कर्व। कर्व के अंदर का, कर्व के इंटीरियर का जो भी पोर्शन होगा, यानी अंदर के जो पोर्शन होगा उसे बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द कर्व। ओके, पी क्यू आर आर इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व, ये सभी पॉइंट्स जो हैं कर्व के इंटीरियर में है। ठीक है, अगर पूछा जाए एक्सटीरियर ऑफ द कर्व तो कर्व के बाहर का भी जो भी पोर्शन होगा उसे बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। एक्स वाई जेड आर द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। ओके, नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल्स जो है वो आर्म एंड वर्टेक्स से फॉर्म होता है। ठीक है, टू रेज जब एक दूसरे को कहीं कट करती हैं तो एंगल फॉर्म होता है। ये टू रेज जो हैं वो आर्म कहलाती हैं, ये दोनों आर्म हैं, और जहाँ पे कट करती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, और इस पॉइंट पे ही एंगल फॉर्म होता है। ओके, इसी तरह से नेमिंग एन एंगल, किसी एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं? इस एंगल की, अगर सपोज़ ये यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ तो इस एंगल की नेमिंग कैसे करेंगे? इसको एंगल ए बी सिंपली बोल सकते हैं, या फिर एंगल बी ए सी बोलेंगे, या फिर एंगल सी ए बी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ये एंगल है, ठीक है, एंगल के अंदर का पोर्शन जो होगा इंटीरियर ऑफ द एंगल, एंगल के बाहर का जो पोर्शन होगा एक्सटीरियर ऑफ द एंगल होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 9.2, फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, मैंने बताया सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं जो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, वो सिंपल कर्व होते हैं। और क्लोज्ड जिनका फर्स्ट और एंड पॉइंट
स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों सेम होता है, वो क्लोज कर्व होता है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज में है, इसलिए क्या है सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, ये भी है सिंपल क्लोज कर्व। ओके नेक्स्ट है अ सिंपल ओपन कर्व, ये सिंपल भी है और एक जो पॉइंट से ओपन है इसलिए सिंपल ओपन कर्व। नेक्स्ट अ कर्व विच इज़ ओपन बट नॉट सिंपल, ये कर्व देखो ये विच इज़ ओपन, ये ओपन तो है और सिंपल भी नहीं क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इसलिए सिंपल नहीं है, दिस इज़ नॉट सिंपल। नेक्स्ट है अ क्लोज कर्व विच इज़ नॉट सिंपल, दिस कर्व इज़ क्लोज, ओके एंड नॉट सिंपल क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एज सिंपल ओपन सिंपल क्लोज ओपन बट नॉट सिंपल एंड क्लोज बट नॉट सिंपल, दीज आर द सिंपल ओपन कर्व। ठीक है, 2, 3 एंड ये सर्कल सिंपल क्लोज कर्व, सेकेंड थर्ड एंड एट्थ कर्व्स आर कॉल्ड एज और सिंपल क्लोज कर्व। एंड नेक्स्ट ओपन बट नॉट सिंपल, ये ओपन भी है और सिंपल नहीं है क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लोज बट नॉट सिंपल, ये कर्व क्लोज है और सिंपल नहीं है क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, नेम देम, दिस इज द ट्रायंगल, नेम इसमें कितने एंगल, ट्रायंगल में 3 एंगल फॉर्म होते हैं, 3 एंगल्स आर फॉर्म्ड, नेम्ड एज एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, दिस एंगल इज बी ए सी एंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, दिस एंगल इज ए बी सी एंड दिस एंगल इज ए सी बी, ओके एंड नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स फॉर्म होंगे, तो एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए एंड एंगल डी ए बी, ओके। नेक्स्ट भी एक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड है, तो यहाँ पे 1 ट्रायंगल में 3 एंगल बनेंगे, इसमें 3 एंड इसमें 3, 3, 6 एंड 7th एंड 8th, टोटल 8 एंगल फॉर्म होंगे और इन सभी के नेम ऐसे हैं एंगल ए बी डी, बी डी ए, डी ए बी, डी बी सी, एंगल बी सी डी, ए बी सी एंड ए डी सी, ओके, दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड इन दिस क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पोर्शन इस एक्सरसाइज का मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके क्लास, थैंक यू।